अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी पाकिस्तान में रहते हुए तमाम नेटवर्क पर फ्री में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही एक कमाल का मेथड लेके आई हूँ। तकरीबन ये तमाम नेटवर्क के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप की कुछ जो है ना सेटिंग्स बताऊँगा, किसी नेटवर्क के कोड बताऊँगा, तो आप लोगों को चाहिए कि ये वीडियो एंड तक देखें। और पहले आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना, ना डिसलाइक करना, कोई कुछ नहीं करना। आप लोग पहले वीडियो को एंड तक देख लें। अगर वीडियो आप लोगों को वाकई में अच्छी लगती है तो आप लोगों ने लाइक और डिसलाइक करना है, अदरवाइज आप लोगों ने नहीं करना, सही है ना। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज की वीडियो वर्किंग है या नहीं है। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ, कोई ना कोई वर्क तो आप लोगों के पास, कोई ना कोई इंटरनेट मतलब कि जो पैकेज मैं बताऊंगा उनमें से एक ना एक तो लाजमी आप लोगों के पास वर्क करेगा, सही है। तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यू फोन का, सही है ना। यू फोन वालों के लिए मेरे पास जो है ना दो प्रॉक्सी हैं, दो जो है ना मतलब कि सेटिंग्स हैं। तो पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को यू फोन का, और पहले मैं आप लोगों को एक बात जो है ना ये क्लियर करवा दूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना जो हम सेटिंग्स वगैरह बताते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी बंदा जो है ना हम मतलब कि कोई कंपनी में तो है नहीं, जिस तरह आप लोग हैं सिंपल आप लोग भी हैं, सेम उसी तरह हम भी हैं, सही है ना। आप हमें कोई मतलब के कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होती, या मतलब के इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि हमारा कंपनी में कोई हिस्सा हो, या मतलब इस तरह कुछ नहीं है, सही है ना। तो हमने आप लोगों के लिए जस्ट जो है ना ट्रिक निकालनी होती है, वो ट्रिक काम करे एक महीना, वो काम करे एक साल, या मतलब इस तरह जो भी है, सही है ना। तो जब तक काम करेगी आप लोगों ने उसको यूज़ करना। अभी हो सकता है आप लोग ये वीडियो जो है ना दो महीनों बाद देखें या पाँच साल बाद देखें, तो मतलब फिर मज़ा नहीं आएगा, सही है ना। फिर आप लोग कहें कि यार ये तो वर्किंग ही नहीं है, तो यार इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन मैं आप लोगों को जो अभी कोड बताऊंगा ना, ये एकदम 101% आप लोगों के पास वर्क करेंगे, सही है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों से कोई भी पॉइंट जो ना आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से इस बटन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में आप लोगों को जो बेल का आइकन मिलता है आप लोगों ने इस पर भी प्रेस कर देना, वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी कर देना। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यू फोन का, जो कि फुल वर्किंग है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल की आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है एक्सेस पॉइंट में, मतलब कि कई मोबाइलों में ये होता है मोर सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेस पॉइंट पे आप लोगों ने आना है, लेकिन मेरे पास मतलब इस तरह आ जाता है। तो कुल मिला के बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने एक्सेस पॉइंट नेम पे आ जाना, मतलब APN आप लोगों ने एक जो है ना न्यू क्रिएट करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है, और यहाँ से आप लोगों ने नेम पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोगों ने कोई भी नेम लिख देना है, चाहे आप लोग यू फोन लिख दें, ठीक है, मैं जिस तरह यू फोन लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास है APN, APN में आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है ufone.internet, सही है ना। अभी आप लोगों ने वीडियो पे रहना है, आप लोगों को मैं पूरा जो है ना बताऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल समझ भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह से लिख के ओके कर देना। तो यहाँ पे ये जो प्रॉक्सी है ना आप लोगों को, अब मैं दो प्रॉक्सी बताऊंगा, दोनों आप लोगों ने ट्राई करनी है। एक तो इंटरनेशनल लेवल की है, मतलब कि जहाँ से हम आप लोगों के लिए, यार मैं सही बात आप लोगों को बताऊँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम जो है ना आप लोगों के लिए ये ट्रिक लेके आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल जो है ना चैनल इस तरह हम फॉलो करते हैं कि कहीं से आप लोगों के लिए ट्रिक मिल जाए। तो ये जो है ना अभी वो अभी ये जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ ना, ये मैंने इंडोनेशियन के चैनल को फॉलो किए हुए, वहाँ से वो ट्रिक देते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि उनकी जो है ना ज़्यादा एप्लीकेशन मोडेड होती हैं। तो आपको पता है मोड एप्लीकेशन हमारे लिए काफ़ी मतलब नुकसानदह है, क्योंकि हमारा डाटा सेव नहीं रहता, तो वो मैं आप लोगों को नहीं बताता। खैर, अब ये है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी में मैं आप लोगों को दो प्रॉक्सी बताऊंगा, यहाँ पे आ जाते हैं अपने इस नोटपैड में। तो यहाँ पे ये जो प्रॉक्सी है ना, सबसे पहले 162 वाली, सही है ना, इसको आप लोगों ने ट्राई करना, मतलब ये चीज़ को आप लोगों ने इस तरह से कॉपी करना है, यहाँ से ये कॉपी हुई, और इसको आप लोगों ने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से पेस्ट करना है, और इसको आप लोगों ने कर देना ओके। सॉरी, ये HTTP किधर से आ गया, अच्छा तो ये चीज़ है, आप लोगों ने इसको करना ओके, ये ओके हो गया। अब आप लोगों ने पोर्ट में पता क्या लिखना, ये जो सेटिंग्स है ना प्रॉक्सी है ना 162 वाली, इसके आगे आप लोगों ने लिखना है 3122, मतलब 3128 आप लोगों ने इधर लिखना है पोर्ट में, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी, 3128, ये हो गया ओके। अभी आप लोगों ने ये चीज़ कर ली, इसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, ये जो APN प्रोटोकॉल होता है ना, इसको आप लोगों ने 6P रखना है, ये दोनों को, ये आप लोगों ने बात जो है ना अपने दिमाग में रखनी, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे रखनी। अभी वीडियो को एंड तक देखिए, अभी आप लोगों को कुछ और भी इसमें बताना है, फिर ही ये वर्क करेगी। अच्छा, ये चीज़ होगी, अब आप लोगों ने इसको सेव करना है, डन कर दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना डाटा कनेक्शन ऑफ करना है, सही है, यहाँ से मतलब इस तरह से ऑफ करना है, और इसको इधर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, फिर आप लोगों ने इसको ऑन करना है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को ये जो VPN मैंने दिया था ना काफ़ी दिन पहले, मैंने एक जो है ना आप लोगों को VPN दिया था, ये प्रीमियम वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ये सर्चिंग हो रहा, तो ये वाला VIP प्रीमियम सही है ना, ये जो VPN है इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, बल्कि मैं आप लोगों के सामने इसको इंस्टॉल कर ही देता हूँ। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने मतलब करना क्या है। अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो गया ना, मैंने इसको ओपन किया, तो जैसे ही आप लोग भी इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। इसमें होता क्या है कि प्रीमियम की ही ट्रैफिक आपको मिलती है, मतलब यहाँ पे वो जो बेसिक वाला है ना वो है ही नहीं, मतलब बेसिक का कोई सीन ही नहीं है। तो आप लोगों को इसमें डायरेक्ट जो है ना प्रीमियम का ही ऑप्शन मिलता है, और आप लोगों ने क्या करना, अपने पैकेज वाली सिम पे इसको एक बार जो है ना इस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए कनेक्ट हुआ, यहाँ पे देखिए इसको मैंने ओके किया, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया ना, तो ये चीज़ क्या होगी, कनेक्ट होगी। आप लोगों ने भी इसी तरह एक बार इसको जो है ना पैकेज वाली सिम से कनेक्ट कर लेना। अब ये कनेक्ट हो गया, आप लोगों ने अब क्या करना, यहाँ पे देखिए अभी जो मज़े की बात मैं आप लोगों को बताने वाला ना, वो आप लोगों ने देखनी है इससे VPN में क्या चीज़ खास आप लोगों के लिए। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो है ना ये कनेक्ट हो गया, आप लोगों ने क्या करना है, अब अपनी जो ना सिम बंद कर लेनी है पैकेज वाली, और दूसरी सिम पे इंटरनेट जो है ना ऑन कर लेना। मैं आप लोगों को यहाँ पे देखें, अभी आप लोग इसमें इंटरनेट बंद करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटरनेट बंद हो गया, ऊपर आप लोग देखें वो VPN भी गायब हो गया। ठीक है, अभी आप लोगों को जो है ना ये सिम वगैरह चेंज करनी है, आप लोगों ने फिर से कनेक्ट करना है, तो आप लोग जैसे कनेक्ट करेंगे ना ये चीज़ ऑटो कनेक्ट हो जाएगी। आप लोग ऊपर वहाँ पे देख लें, वहाँ पे देखिए वो VPN दोबारा से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। आप लोगों को दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ऑफ हो गया, वहाँ पे VPN भी हट जाएगा, यहाँ पे देखिए हट गया। अब मैं यहाँ से जो ना एक सपोज आप करें, मतलब कि यहाँ से मैंने जो ना डाटा ऑफ किया, मतलब कि चेंज किया, तो दोबारा फिर किया, तो आप लोग देख रहे हैं VPN जो ना दोबारा से, मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ जो ना ऑटो कनेक्ट हो जाती है। जस्ट आप लोगों ने एक बार इसको धक्का लगाना है VPN को, मतलब के पैकेज वाले सिम से, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग इसको यूज़ करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास ये चीज़ वर्क नहीं करती, मतलब ये प्रॉक्सी वर्क नहीं करती, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेकंड प्रॉक्सी आप लोगों को नज़र आ रही 8923 आगे वो 4371, ये आप लोगों ने प्रॉक्सी लगानी है, और पोर्ट में आप लोगों ने इसके भी 3128 लिखना है। अगर ये भी वर्क ना करे तो आप लोगों को ये जो नीचे वाली प्रॉक्सी आप लोगों को नज़र आ रही ना 172.16.1.3.27 ये वाली आप लोगों ने लगानी, और ये जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं ना ये भी इसको यूज़ कर सकती हैं, सही है ना। तो ये आप लोगों ने प्रॉक्सी लगानी, और इसके जो आगे पोर्ट है ना ये है 8080 की, ये आप लोगों ने 8080 रखना है, सही है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया यूफोन का, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैज पे आप लोग क्या करें। आप लोगों को पता है जैज का बिल्कुल भी ऑफ है, मतलब कि इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा, कुछ न्यू VPN आता है कुछ देर चलता है फिर बंद हो जाता है, तो बड़ा मसला आ रहा है। तो उनके लिए ना मेरे पास एक पैकेज है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने लिखना *462#, आप लोगों ने ये लिखना, यहाँ से आप लोगों ने इसको जो ना कर देना, मतलब डायल करके ओके कर देना। तो यहाँ से अभी ये मेरे पास नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से सुबह इसको जो ना ये लगाया, मैं आप लोगों को उसका स्क्रीन शॉट देता हूँ। दूसरी सिम में मेरे पास बैलेंस है नहीं, तो मैं उस पर भी आप लोगों को चेक करवा देना था। तो यहाँ से ये जो स्क्रीन शॉट है ना, आप लोगों को इस टाइप का जो ना मैसेज आएगा, इन्जॉय फ्री 2G इंटरनेट ऑन गो लिमिटेड टाइम ऑफर। ये जो है ना ये सिलेक्टेड एरिया में, अब आप लोगों ने आप लोगों की किस्मत पर डिपेंड करता है कि ये आपके एरिया में लगे ना लगे, लेकिन ये चीज़ जो है ना वर्किंग है, सही है ना। बट आगे लिखा हुआ है सिलेक्टेड एरिया ओनली, मतलब ये सिलेक्टेड एरिया में है, तो आप लोगों ने ये चीज़ भी ट्राई कर लेनी है। अगर आप लोगों के पास काम कर जाए ठीक, ना करे तो मतलब कि फिर भी आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे ही रहना। अब आ जाते हैं जोंग पे, तो जोंग पे भी अभी फ़िलहाल जो है ना कोई भी पैकेजेस काम नहीं कर रहा, कोई भी VPN काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से माई जो जोंग एप्लीकेशन होती है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाली। तो यहाँ से आप लोगों को जो है ना 1GB फ्री मिल सकता है, सही है, इससे आप लोग जो है ना फ्री में ले लें। और इसी तरह टेलीनोर की जो माई टेलीनोर एप्लीकेशन है, अगर आप लोगों को मतलब लग रहा है ना कि मैं मतलब ऐसे कह रहा हूँ, तो आप लोग इनके ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखें इधर 2000 MB हमें मिलती है, डाउनलोड माई टेलीनोर ऐप एंड गेट 2000 MB इंस्टेंटली, मतलब उसी टाइम आपको 2000 MB मिल सकती है। तो बस यही तरीका था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है ना तरीके पसंद आएंगे, और आप लोगों का कोई ना कोई जुगाड़ यहाँ पे लग जाएगा, सही है ना। तो कोई भी आप लोगों का अगर नहीं चलता, फिर भी आप लोगों का नहीं चलता, यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसमें मतलब इस तरह से हो जाते हैं। और एक ये है वॉ बॉक्स का, आप लोगों को अगर नहीं पता, तो इसमें भी आप लोगों को जो है ना पॉइंट मिलते हैं, और उसमें आप लोगों को फ्री में MB मिलती है। तो आप लोग ये दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल, यहाँ पे देखिए टोकन पे मतलब कि आपको फ्री इंटरनेट मिलता है, टोकन से आप किस तरह इसको हैक वगैरह भी कर सकते हैं, और इसको लोगों के साथ शेयर करके भी आप लोग ज़्यादा फ्री में
MBA ले सकते हैं। तो यही दो तीन तरीके थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई ना कोई तो जो ना काम इंशाल्लाह लाजमी करेगा। तो अगर फिर भी कोई मसला आता है तो बैड कमेंट करने से बेहतर है आप लोग पूछें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि यार इसका आप कोई हल निकालें, अभी ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, तो फिर मज़ा है। लेकिन आप लोग अगर बैड कमेंट करेंगे तो हमारा क्या, हम दो मिनट के अंदर रिमूव कर देंगे, आप लोगों को ब्लॉक कर देंगे, तो फ़ायदा इसमें कोई नहीं है। सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।